नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद मोइन। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा से जुड़ी हुई है। रामचरितमानस पर बयान देते हुए डॉक्टर आर के वर्मा ने बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर और अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने रामचरितमानस को संविधान विरोधी बताया है, इस पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जो कि रामचरितमानस के रचयिता हैं उनको भी पाठ्यक्रमों से बाहर कर देना चाहिए, उनको पढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। डॉक्टर आर के वर्मा ने यह भी कहा है कि वो जल्द ही विधानसभा में इस मांग को उठाएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास को पाठ्यक्रमों में प्रतिबंधित कर दिया जाए। इतना ही नहीं, डॉक्टर आर के वर्मा ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो गोस्वामी तुलसीदास को प्रतिबंधित किए जाने का मामला भी सामने रखा जाएगा, उस पर भी विचार किया जाएगा। डॉक्टर आर के वर्मा ने धीरेन्द्र शास्त्री पर भी विवादित टिप्पणी की है, उन्हें संविधान विरोधी बताया है, पाखंडी बताया है और कहा है कि वो जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे भी नजर आ सकते हैं और उनका अंजाम आशाराम बापू और राम रहीम जैसे हो सकता है। दूसरी खबर आम बजट को लेकर है। कल देश का आम बजट आएगा और इसे लेकर संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को खासी उम्मीदें हैं। लोगों को लगता है कि इस बार इनकम टैक्स के स्लैब जो है उसे बढ़ाया जाएगा, साथ ही कुछ इस तरीके के कदम उठाए जाएंगे जिससे महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी कम होगी। तीसरी खबर पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी से जुड़ी हुई है। राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में आज प्रयागराज की स्पेशल MPMLA कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था, लेकिन आज फैसला नहीं आया। अदालत ने इस मामले में राकेश धर त्रिपाठी की पत्नी और बेटी को गवाही के लिए फिर से तलब कर लिया है। 6 फरवरी को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी, यानी राकेश धर त्रिपाठी को फौरी राहत जरूर मिल गई है। चौथा मामला 66,000 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े से जुड़े रियल इस्टेट कंपनी शाइन सिटी से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने आज एक बार फिर से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको जमकर फटकार लगाई और साथ ही साथ जो आरोपी राशिद नसीम है जिसे दुबई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया जाना है उसके खिलाफ रेड कार्ड नोटिस जारी किए जाने का आदेश दिया है। तो ये थी संगम नगरी प्रयागराज की प्रमुख खबरें। बाकी शहरों की खबरें देखने के लिए, जानने के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।